नमस्कार किसान भाइयों, जुलाई और अगस्त का महीना भिंडी की खेती कैसे करें, क्योंकि इस बीच में जुलाई पूरे बारिश का मौसम होता है, वही अगस्त में थोड़ी बारिश होती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे भिंडी की खेती कैसे की जाती है वैज्ञानिक तरीके से, जिससे आपका भिंडी कम समय में तैयार हो जाए, अच्छी रेट मिल सके भिंडी के, जिस समय पे मंडी में रेट हो उस समय आपका भिंडी जल्द तैयार हो जाए और भिंडी में कोई रोग भी न लगे, उत्पादन जो आप ले रहे थे उससे ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी पॉइंट एवं तरीका बताई जा रही है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसान भाइयों, हम भिंडी की खेती जानेंगे 10 पॉइंट के आधार पर। कोई भी फसल तैयार होती है वो 10 इंपोर्टेंट पॉइंट के आधार पर, जो हमारा पॉइंट है, पहली भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी उपयुक्त तापमान, चौथी उन्नत किस्में, पांचवी खेत की तैयारी कैसे करें, छठी खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, कितनी मात्रा डालें, सातवीं भिंडी में कितनी बार सिंचाई करें, आठवीं भिंडी की खेती कर रहे तो रोग नियंत्रण कैसे करें, नौवीं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें एवं दसवीं पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि कैसे लाएं। चलिए शुरू करते हैं उपयुक्त मिट्टी से। उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो भिंडी की खेती आप किसी भी उपजाऊ मिट्टी में कर सकते हैं, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में करेंगे, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में ज्यादातर उत्पादन आपको देखने को मिलती है। किसान भी वो, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु, तो इसे आप गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों ही ऋतु में कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर बात कर लेते हैं उपयुक्त तापमान की, तो ये न्यूनतम 10 डिग्री तापमान, अधिकतम 35 से 40 डिग्री तापमान सहन कर सकती है। उसके बाद किसान भाइयों, जो हमारा पॉइंट रहने वाला है भिंडी की उन्नत किस्में, तो उन्नत किस्में की बात करें तो मैं यहाँ पे टॉप नंबर 1 पे, जो कि काफी ज्यादा किसान भाइयों का प्रसिद्ध वैरायटी है, जो कि काफी सारे किसान भाई अभी भी लगाए हुए हैं और अच्छी उत्पादन भी ले रहे हैं, एडवांटा गोल्डन सीड्स का राधिका। ये वैरायटी जो है काफी अच्छी वैरायटी है, मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ राधिका, आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें। लेकिन एडवांटा का जो राधिका है काफी अच्छी उत्पादन देती है। उसके बाद नामधारी सीड्स का जो वैरायटी है ये भी काफी उत्पादन देती है, जो आपको स्क्रीन पे शो कर देते हैं। किसान भाई, जब उन्नत किस्म का आप चुनाव कर लेते हैं तो हमारा पॉइंट है खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करने के लिए बात करें तो सबसे पहले आपको जो भी फसल के अवशेष पदार्थ है पहले वाली, उसको हटाने के लिए आपको गहरी जुताई करवानी है, जिससे जो भी पुरानी अवशेष पदार्थ है वो बिल्कुल जड़ से ऊपर की ओर आ जाए और सूख जाए। आपको जुताई कराने के बाद कुछ दिनों के लिए धूप लगने के लिए खेत को खुला छोड़ देना है, जिससे जो भी खरपतवार है बिल्कुल तरीके से सूख जाए। जैसे ही आप खेत को खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, खाद एवं उर्वरक की बात करें तो प्राकृतिक खाद के रूप में आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 10 से 15 गाड़ी डाल देनी है पूरे खेतों में। अगर आपको व्यवस्था हो तो सिंचाई कर देनी है गोबर की खाद डालने के बाद, जिससे होगी गोबर की खाद और मिट्टी एक दूसरे को मिल जाएगी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो आपको एक बार और जुताई करके समतल कर लेनी है, उसके बाद आपका खेत हो जाएगा बिल्कुल तरीके से तैयार। उसके बाद आप जो भी भिंडी का बीज का चुनाव किए हैं उस बीज को खेत में लगा पाएंगे किसान भाई। अगर किसान भाई आप रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको DAP की मात्रा खेत की जुताई के समय आपको और फॉस्फेट की और पोटास की मात्रा आपको छिड़काव कर देनी है किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में, जब आपका पौधा तैयार हो रही है, पौधे की रोपाई कर दिए है, तो इसमें सिंचाई कितनी बार करें। तो किसान भाई, बरसात के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई की जाती है एवं गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिनों के अंतराल में आपको सिंचाई कर देनी है किसान भाई अपने भिंडी में। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाई, खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो भिंडी में आपको रासायनिक विधि खरपतवार नियंत्रण के लिए नहीं अपनाना है। अगर आप प्राकृतिक विधि अपनाते हैं तो प्राकृतिक विधि निराई गुराई की विधि है, जिससे होगा क्या, आपका खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा एवं मिट्टी भी उलट पलट हो जाएगी, जिससे पौधे में और भी ऊपर सूर्य की प्रकाश लगेगी और भी जरूरतमंद चीज पूरा हो जाएगी। तो आपको निराई गुड़ाई का विधि इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।